दोस्तों वेलकम टू कैनन कनेक्शन, मैं हूं नवेद और आज के वीडियो में हम लोग ZX6R का इंजन ऑयल और उसका ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे। बहुत सारे टूल्स जो मैं यूज़ करूंगा उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि क्यों किधर किस टूल को यूज़ करना है। एंड ये वीडियो के बाद कोशिश करो कि अपनी बाइक का ऑयल खुद चेंज करो, ऑयल फिल्टर भी खुद चेंज करो। एंड ओनली व्हेन यू नीड, जैसा कि वाल्व एडजस्टमेंट्स है सुपर बाइक्स के अंदर, या फिर कूलेंट एडजस्टमेंट है, कूलेंट फ्लशिंग है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम है बाइक के अंदर, वहाँ पे इट मेक सेंस टू गो टू द डीलर्स और सर्विस सेंटर्स। बट उसके अलावा ऑयल चेंज खुद ही करना चाहिए। किसी और से भी, मैकेनिक से भी चेंज करवाते हो तो सामने खड़े रहकर चेंज कराओ, चाहे वो आपकी 150 cc की बाइक हो या 1000 cc की बाइक हो, सामने खड़े रहकर चेंज कराओ। ऑयल खुद लेके आओ और सामने खड़े रहकर कराओ, और हो सके तो सुबह गैरेज खोलने के टाइम पे जाओ। अगर नहीं खुद करने वाले हो, सुबह सुबह सुकून में बैठ के पूरे टूल्स रेडी करके चालू हो जाओ। इवन बिफोर स्टार्ट करने के पहले अपने टूल्स पहले एडजस्ट करो, पूरे टूल्स एडजस्ट करो जो आपको लगने वाले हैं एक ही जगह पे, ताकि आपको घड़ी घड़ी उठ के जाना नहीं पड़े लेने के लिए टूल्स। जो भी आपको चाहिए, डू अ ड्राई रन के कौन सा पाना लग रहा है, कौन सा रेंच लग रहा है, कौन सी साइज़ का रेंच लग रहा है, क्या क्या लगेगा आपको, मेक एवरीथिंग रेडी बिफोर यू स्टार्ट द एक्चुअल वर्क। सेकेंड थिंग, बहुत सारे रग क्लोथ्स रखो, आपको बहुत काम आएंगे ये सफाई रखने के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि काम चालू करने के पहले अपन सबसे पहले बाइक के स्पीडोमीटर का फोटो लेंगे। क्यों फोटो लेंगे? क्योंकि उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके बाइक का कितने माइलेज पे आप चेंज कर रहे हो। तो मेरी बाइक का माइलेज है 6046। उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम ट्रैक करने इजी रहेगा। अगर आपकी सुपर बाइक है तो रफली अराउंड 3500 माइल्स इज मोर देन इनफ टू चेंज द ऑयल। इतना महंगा ऑयल नहीं आता है, तो ऑयल चेंज करने में डिले मत करो, कंजूसी मत करो, बिकॉज दैट इज़ लाइक अ ब्लड दैट फ्लोस थ्रू योर इंजन। तो उसमें डिले मत करो। अगर नॉर्मल स्ट्रीट बाइक है, इट्स नॉट अ सुपर बाइक, यू कैन गो फॉर 1500 किलोमीटर्स टू 1800 किलोमीटर्स, उसके आगे मत जाओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सर्विस मैनुअल से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, कीप इट ऑलवेज हैंडी। आपको यूज़ करना है विस्कोसिटी SAE 10W40, ये वाला इंजन ऑयल आपको यूज़ करना है, ये ग्रेड का। यू कैन स्टिल गो अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वेयर यू आर लिविंग, या फिर जो भी है आपका, उसका टेबल में सब कुछ रहेगा। देन कितना आपको इंजन ऑयल लगेगा, न ज़्यादा भरो न कम भरो, जितना है उतना ही भरो। अब इसमें लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3.33 US quarts वैन फिल्टर इज़ नॉट रिमूव्ड एंड 3.3 US quarts वैन फिल्टर इज़ रिमूव्ड। ठीक है, तो ये सर्विस मैनुअल आपको बहुत हेल्प करेगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आपको हेल्प करेगी, मैं वो बताऊँगा आपको, तो कीप दिस हैंडी। तो सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ चेंज करनी है, ये है आपका ऑयल फिल्टर जो हम लोग ये निकालेंगे, जो बहुत ही अंदर कंजस्टेड है, तो वी वुड हैव टू काइंड ऑफ क्लीन दिस एरिया अ बिट बिफोर वी रिमूव दैट ऑयल फिल्टर। उसको निकालने के पहले हम लोग थोड़ा उसको एडजस्ट करेंगे इस जगह, और एक नीचे जो है ये ड्रेन बोल्ट जो है इसको खोलेंगे, यहाँ से पूरा ऑयल ड्रेन करेंगे। तो ऑयल ड्रेन करने के लिए ये है इसका ऑयल ड्रेन पैन, कोई भी नॉर्मल डब्बे में कलेक्ट करके मट्टी में मत फेंको, रीसाइकल द ऑयल प्रॉपरली। अगर US में हो तो कोई भी ऑटोमेटिव स्टोर में जाओ, यहाँ पे कलेक्ट करके वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ऑयल ड्रेन कर देंगे, दे विल रीसाइकल इट प्रॉपरली टू द राइट चैनल। इंडिया में भी अमेजोन में मिल जाएगा, बट US में अगर आप हो तो हार्बर फ्रेट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय दिस। वी आर गोइंग टू ओपन दिस, तो इसमें पूरा ऑयल ड्रेन करेंगे हम। एंड द रीज़न आई एम पुटिंग इट लाइक दिस, इसका रीज़न ये है कि जब आप ये खोलोगे तो ये प्रेशर से बाहर आएगा, जब प्रेशर से बाहर आएगा अगर मैं ऐसा रखूँगा यहाँ जा सकता है, तो जितना मैक्सिमम एरिया वो कवर कर सके यहाँ से, यू हैव टू मेक श्योर इट ये अलाइंड है बरोबर। ये अलाइंड हो गया एक बार, बाद में हमको ड्रेन बोल्ट खोलना है। एंड ये है हमारा ZX6R का इंजन ऑयल, कावासाकी का ओरिजिनल SAE 10W40, कोई और भी डाल सकते हो, मेक श्योर यू मेंटेन दिस ग्रेड, या ऊपर नीचे करना है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि आपके सर्विस मैनुअल में रहेगा कि कितना ऊपर कितना नीचे आप जा सकते हो इन टर्म्स ऑफ ग्रेड। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस रेंच, ये एक स्पेशल रेंच है, ये क्यों ज़रूरत पड़ेगी अपने को ऑयल फिल्टर निकालने की। यहाँ जब आप देखोगे तो ऑयल फिल्टर निकालना इतना ईजी नहीं है, अब ये जो रेंच है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी ये इज़ नॉट ए यूनिवर्सल, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द ऑयल फिल्टर साइज आपको अलग अलग रेंच लग सकता है। अब ये जाके इसके ऊपर बैठेगा एंड देन नॉर्मल रैचेट से आप इसको खोल सकते हो, दैट्स द ईजीएस्ट वे। दूसरा एक तरीका है कि आप प्लायर्स यूज़ करो, बट दोज आर ऑल मैसी, उसमें सटक गया हाथ से तो आपका किधर ना किधर बॉडी पे स्क्रैच आ सकता है,
लॉट ऑफ अदर पीपल व्हाट दे डू इज दे पोक इन द स्क्रूड्राइवर हियर एंड देन दे ट्विस्ट इट, बट यहाँ पे हमारे पास वो जगह भी नहीं है करने के लिए, क्योंकि एनीवेज ये फिल्टर चेंज होगा एंड वी आर गोइंग टू यूज अ न्यू फिल्टर हियर। तो ये न्यू फिल्टर लगाने के लिए तो आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा, या तो फिर KNN का एक फिल्टर आता है जिसमें बाहर ही एक सॉकेट जैसा रहता है, दैट मेक्स इट योर लाइफ ईजियर टू पुट इन द ऑयल फिल्टर, बट इसमें है नहीं और जो मैंने लाया उसमें भी नहीं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लगेगी अगर कोई भी ऑयल फिल्टर चेंज करना है, तो दिस इज़ अ ऑयल फिल्टर सॉकेट रेंच जो ही बोलो उसको, ठीक है। तो इसको मैं रखता हूँ साइड पे यहाँ पे। अब अपन सबसे पहले ऑयल ड्रेन करेंगे, तो ऑयल ड्रेन करने के लिए अपने ये है मेरा 239 पीस गियर रेंच का टूल बॉक्स सेट जो मैंने बाइक के साथ ही परचेज किया था। ऑलवेज हैव द राइट टूल्स फॉर द जॉब। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो 16 की जगह 17 का पाना, 17 की जगह 18 का पाना, वो सब मत करो, कचरा काम मत करो। बी परफेक्शनिस्ट, डू इट द राइट वे, अदरवाइज डोंट डू इट, वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड देन डू इट। सो ये पूरे टूल्स हैं मेरे, तो ये है गियर रेंच का 239 पीस टूल सेट। तो इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये है आपके स्टैंडर्ड सॉकेट्स, मैट्रिक सॉकेट्स एंड SAE सॉकेट्स। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। हम लोग इंडिया में ज़्यादा करके मैट्रिक सॉकेट्स यूज़ करते हैं जो 8 mm, 12 mm, 19 mm। तो ये देखोगे ना, तो ये देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 15 mm, दिस इज 27 mm। तो ये सॉकेट है आपके मैट्रिक स्टैंडर्ड है ये। नाउ इफ़ यू सी दीज वंस, सो दीज आर ऑल फ्रैक्शन ऑफ इंचेस। तो ये फ्रैक्शन ऑफ इंचेस जो है ना, दिस इज द SAE स्टैंडर्ड्स। तो SAE स्टैंडर्ड में, SAE का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स, जो US में और इंपीरियल सोसाइटी में ये पहले यूज़ होता था, जो पहले बहुत पहले ये स्टैंडर्ड यूज़ होता था, बट US ने फिर रिफ्यूज़ किया कि हमारा ऑलरेडी डेवलप चीज़ें बनी हुई है ये स्टैंडर्ड पे, तो इसीलिए अभी तक के ये सॉकेट्स भी चलते हैं। एंड देन देर इज़ अ मैट्रिक जो बाद में फिर इवॉल्व हुआ कि विच इज़ मोर इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू कैलकुलेट काइंड ऑफ थिंग, तो वो बाद में इवॉल्व हुआ। तो ये मैट्रिक स्टैंडर्ड्स है, अगर आप देखोगे उस पर तो नंबर्स है, ये इसके मैट्रिक नंबर है जो हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, विच आर लाइक होल नंबर्स, और ये आपके प्रिटी मच SAE नंबर है विच इज़ मोर लाइक जो ओल्ड स्टैंडर्ड है। तो जो भी राइट फिट है फॉर द जॉब यू आर डूइंग, डू इट। दीज आर ऑल एक्सटेंशन बार्स, अभी मैं यूज़ करूँगा एक, आई विल टेल यू व्हाट दिस इज़ यूज फॉर। ये है रैचेट, रैचेट का सबसे बेस्ट पार्ट है, देखो ये अपन काम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा ओल्ड स्कूल है ये, अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर आप इसको बाहर निकाल के करना पड़ता है, राइट, एडजस्ट करना पड़ता है, बट दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल अगर ये आप यूज़ करोगे। तो ये भी सेम चीज़ है, बट दीज आर लाइक मोर मैनुअल काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आपको बहुत थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगेगा। एंड देन दिस इज़ द स्पार्क प्लग सॉकेट्स और स्क्रू ड्राइवर, बिट सेट यहाँ पे बहुत कम थी, तो मैंने फिर ये बिट सेट लिया हार्बर फ्रेट से, बिग फैन ऑफ हार्बर फ्रेट, सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं वहाँ पे। तो ये पूरी बिट्स है, जो भी बिट्स आपको चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन, 100 पीस का सेट है ये, इट कम्स ओनली फॉर $9, गेट इट, बहुत हेल्पफुल है। एंड देन लास्ट थिंग इज़ दिस, तो अगेन द स्मॉलर सॉकेट्स एंड देन द एलन की का पूरा सेट। तो ये पूरा मेरा 239 पीस सेट है, प्रिटी मच सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें, जो भी आपको काम करना है बाइक के ऊपर। इसमें एक और चीज़, ये जो रैचेट्स है, ये 3x8 क्वार्टर इंच ड्राइव, ये क्वार्टर इंच ड्राइव है, ये 3x8 इंच ड्राइव और ये हाफ इंच ड्राइव है। सो प्रिटी मच बाइक के काम के लिए 3x8 इंच ड्राइव आपको काफ़ी हो जाता है, बट व्हील्स पे अगर काम करना है आपको, जैसे अगर आपको व्हील एडजस्ट करना है या रियर व्हील कुछ एडजस्ट करना है, तो यू वुड नीड अ हाफ इंच ड्राइव, और उसके हिसाब से आपको सॉकेट्स भी है डिफरेंट। सो दिस इज़ द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ माई टूल बॉक्स। हम लोग यूज़ करेंगे फनल इसको ऐड करने के लिए ऑयल को, उसके अलावा मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था वो है तुम्हारा टॉक रेंच पे मैं जब हम लोग एक्चुअल काम करेंगे जब बात करूँगा। वी हैव दिस ऑयल फिल्टर ऑफ कावासाकी, जब भी ऑयल फिल्टर चेंज करते हो, ये ऑयल फिल्टर है मेरा, तो उसके साथ में उसका ड्रेन वॉशर, जो ड्रेन आपका जो नट है उसके पीछे जो वॉशर रहता है, ऑलवेज चेंज दैट वॉशर, एड अ न्यू वन, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। एंड देन ऑफकोर्स द सर्विस मैनुअल टू कीप इट हैंडी, टू नो ऑल द स्पेसिफिकेशन वेर एवर नीडेड, एंड दैट्स प्रीटी मच। तो अभी हम लोग देखते हैं, चालू करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग, जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग सबसे पहले हमारा जो काम है वो है
ये जो नट है इसको खोल के ऑयल को ड्रेन करना पूरी तरह। एक बार वो ड्रेन हो गया तो हम लोग उसको फिट कर देंगे, बंद कर देंगे। पूरा ड्रेन होने के बाद बाइक को स्टैंड से भी उतारेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे जितना ड्रेन हो सकता है पूरा ड्रेन करेंगे। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे ये ऑयल फिल्टर। इसको निकालने का थोड़ा झमेला रहेगा क्योंकि यहाँ से निकालेंगे तो थोड़ा ऑयल यहाँ पे भी गिरता है, तो उसको कैसा अवॉइड करने का वो भी हम लोग देखेंगे। एंड देन वी विल पोर इन द न्यू ऑयल, वी विल स्टार्ट द इंजन, वी विल गेट इट गोइंग फ्रॉम देयर। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड ऑन दैट। तो सबसे पहले हम लोग ड्रेन करेंगे ऑयल। तो अभी मैं ड्रेन करता हूँ ऑयल। तो ऑयल ड्रेन करने के लिए मेरे को लगेगा थ्री बाई एट एंड 70। अब मैं बताता हूँ तुमको फ़र्क 17 और 18 का। अभी देखो, जस्ट सी दिस, अभी मैंने ये 18 पे फिक्स किया, ये कितना प्ले है देखो इसमें। आपका काम हो जाएगा लेकिन ये प्ले के वजह से इट्स नॉट गुड, डोंट यूज़ दिस वन। काम तो होएगा आपका लेकिन इसमें स्लिप के चांसेस ज़्यादा है, आपका सॉकेट भी ख़राब होगा, आपका नट भी ख़राब होगा। ठीक है, तो ये रखता हूँ मैं साइड में। अब ये 17 है, अब 17 को देखो, ये देखोगे तो इट इज़ प्रिटी स्नग, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो दिस इज़ द राइट फिट। 16 भी ट्राई करो, 16 फिट होगा नहीं तो 16 को यूज़ करना नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लोकल मैकेनिक्स का, जो मन में आया वो यूज़ करते हैं और उसके अंदर पूरा घान कर देते हैं। तो 3x8 से ये खुलेगा नहीं, वी हैव टू यूज़ द हाफ इंच ड्राइव। हाफ इंच ड्राइव का सॉकेट है ये, तो हाफ इंच ड्राइव को लगाओ। अभी ये देखोगे तो ये 12 पॉइंट सॉकेट है, दिस इज़ द 12 पॉइंट सॉकेट। इसमें 12 डिफरेंट पॉइंट्स है टू ओपन द नट। सेम इसका दूसरा भी आता है जो है सेम साइज़ का, मैं बताता हूँ 12 पॉइंट कब यूज़ करना और 6 पॉइंट कब यूज़ करना। तो ये देखो दोनों में फ़र्क, ये है 12 पॉइंट, इसमें 12 टीथ्स है, इसमें 6 है। ये यूज़ करना जब आपको एकदम स्ट्रॉन्ग नट जो बहुत टाइट फिट है उसको ओपन करना है। तो अगर आपका नट रस्टी नहीं है, बिकॉज दिस विल गिव यू मोर ग्रिप, इसमें आपके थ्रेड्स ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। बट इन माई केस आई कैन यूज़ इधर, तो लेट मी यूज़ द नॉर्मल वन। तो ये 17 का है, अगेन राइट फिट फॉर द जॉब। और ये 3x8 इंच ड्राइव है, सो वी डोंट नीड दैट ह्यूज सॉकेट, सो वी विल जस्ट यूज द 3x8 इंच का रैचेट सेट। तो ये 3x8 इंच सॉकेट है, मच इजियर टू ऑपरेट दिस इज। सो रैचेट सेट का बेस्ट पार्ट क्या है, आपको वापस रेंच बाहर निकालने का जरूरत नहीं है। यू कैन चेंज द डायरेक्शन वाइल टाइटनिंग इट एंड लूजनिंग इट डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर ओपनिंग इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैचेट। अब यहाँ पे अपन लगाएंगे, ये लग गया, ठीक है, एंड इट इज़ इन द राइट लॉक पोजीशन कि हमको ओपन करना है। तो वी आर गोइंग टू मूव इट एंटी क्लॉक वाइज। तो ये वापस एक बार बेली पैन देख लेंगे एडजस्ट, तो ये खुल गया आपका नट। ये ध्यान से आपको ये नट तो अपना सेटिंग पैन का बराबर था, ड्रेन हम दो उसको। ओके, सो ये जो है हमारा नट है ड्रेन प्लग का, और ये वॉशर है। ये वॉशर कहीं भी रीयूज मत करो, इसको फेंक दो, विल थ्रो दिस अवे, विल रिसाइकल इट प्रॉपरली, क्लीन द नट थरली। इसको अच्छे से क्लीन करो नट को, इन केस देयर इज एनी आयरन डिपॉजिट्स और इरोजन फ्रॉम ओल्ड ऑयल ना, वो निकालेंगे अपन। ये निकल गया पूरा, साफ हो गया नट अभी पीछे से भी। अब इसमें अपन न्यू वॉशर यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने दिखाया न्यू वॉशर था अपने पास, ये है हमारा न्यू प्लग विच वी आर गोइंग टू यूज़, दिस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़। ओके, दिस इज़ द एग्जैक्टली सेम है, इससे अब देखोगे तो इट्स एग्जैक्टली द सेम, दिस इज़ द ओल्ड वन, दिस इज़ द न्यू वन। देखो उसका वेयर एंड टेयर हो गया ये, सो डोंट यूज़ दिस वन, यूज़ दिस वन इंस्टेड। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़, आई एम गोइंग टू कीप इट राइट एट द मोमेंट फॉर ओवर हियर। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है हमको ऑयल डालने के पहले, वो ये है कि अपन बाइक थोड़ा हटाएंगे साइड में, अपने टूल्स को अपनी अपना काम हो गया उससे आदमी फिर हटा दो जगह पे से। काम हो गया, ये सॉकेट को जगह पे रखो, ये हम लोगों ने शॉर्ट सॉकेट यूज़ किया, 6 पॉइंट सॉकेट यूज़ किया, कीप द रैचेट हियर। अभी जितना ड्रेन करना है हमने कर लिया है प्रीटी मच, देखो अभी भी ऑयल ड्रेन हो रहा है। सो लेट दिस ड्रेन, इन द मीन टाइम वी आर गोइंग टू ओपन दिस ऑयल फिल्टर विच इज़ गोइंग टू बी अ थोड़ा टीडियस टास्क है। तो सबसे पहले ये वायर निकालेंगे, वी आर गोइंग टू
कीप इट लाइक दिस हियर, ये प्लग निकालेंगे। अभी दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिट द रेंच, सॉकेट फिट करेंगे इसमें और इसके ऊपर रैचेट लगा के निकाल लेंगे। द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही मैं इसको निकालूंगा तो ऑयल फिल्टर में थोड़ा ऑयल रहेगा तो पूरा यहाँ गिरेगा। द गोल इज बाइक पे जितना ऑयल कम गिरे, जितना सफाई से काम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ ये है कि ये जो दिख रहा है ना उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे एज अ फनल यहाँ पे, एज अ पाथ, ऑयल पाथ, और इसको इसमें कलेक्ट करेंगे। देखते हैं सक्सेसफुल होता है नहीं। फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ मैं ताकि ऑयल ना गिरे। इसमें अपना ये रैचेट लगेगा, आप देखो ये यहाँ लग घुसेगा नहीं क्योंकि यहाँ ये इसको ब्लॉक कर रहा है। तो दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर वी नीड द एक्सटेंशन रॉड्स। एक्सटेंशन रॉड बैठेगा इसके ऊपर, बैठेगा ये, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू वर्क। ऐसा खोल के हम लोग निकालेंगे। यदि एक्सटेंशन रॉड नहीं रहेगा तो कितना डिफिकल्ट है इसको खोल के निकालना, फिर प्लायर से निकाल रहे ऐसे निकाल रहे, तो आपका पार्ट्स ख़राब होते हैं। इसीलिए अपने राइट टूल्स यूज़ करो। अब इतना लंबा एक्सटेंशन रॉड की ज़रूरत नहीं है, वी कैन यूज़ अ स्मॉलर वन विच इज़ गोइंग टू बी दिस वन। ये एक्सटेंशन रॉड से भी हमारा काम हो जाएगा क्योंकि हमको इतना अंदर जाना नहीं है इसके अंदर, तो ये शॉर्ट एक्सटेंशन रॉड से भी हमारा काम हो जाएगा। अभी ये इसमें डालेंगे, मेक श्योर इट इज़ प्रॉपरली फिट ऑन द फिल्टर। अभी हम लोग इसको फिल्टर को निकालेंगे। ओके, फिल्टर इज आउट, मतलब ऑयल गिरने के चांसेस अभी है। तो फिल्टर हो गया ना, काम लूज हो गया। पहले अपने टूल्स को हटाओ जगह पे से, बाहर निकालो इसके पहले कि ऑयल ड्रेन होना चालू हो, जो कि अपने रेंच को, एक बार आपके टूल्स चिकने हो गए ना अगर ऑयल लग के तो यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कीप इट क्लीन, जगह पे हटाओ। सी द ऑयल स्टार्टेड कमिंग, अब ऑयल आ रहा है ना, उसके पहले इस सॉकेट को निकालेंगे अपन। ठीक है, सॉकेट निकाल के सॉकेट को भी चिकना नहीं होने देना है। ये ऑयल फिल्टर निकलेगा आस्ते 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 आस्ते। कपड़ा नीचे रखो, सही। दिस इज अ यूज्ड ऑयल फिल्टर, कितनी सफाई से निकल गया ये, क्योंकि आपके राइट सेट ऑफ टूल्स थे। तो ये दो चीज़, ऑयल फिल्टर और उसका ड्रेन प्लग का ये। अभी देखो, दिस इज द प्लेट दैट इज अटैच बिफोर द ऑयल फिल्टर। तो इसको भी अपन क्लीन करेंगे। ये पूरा ऑयल है आपका, तो इसमें अभी देखो आपकी बाइक पे ज़्यादा ऑयल गिरा ही नहीं है, एक बूंद ऑयल नहीं गिरा आपकी बाइक पे। क्यों? क्योंकि वी यूज़ दिस। इसीलिए अपने टूल्स को पहले रेडी करो ना, टूल गंदे हुए आपके, अभी सब निकल गया। अभी जस्ट द एडिंग द ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर को वापस लगाना है, वापस जो रिमेनिंग ऑयल है वो जिससे जो हम लोग ने ड्रेन प्लेट पे ये लगा दिया है, ये नट को निकाल के वापस रिमेनिंग ऑयल ड्रेन करेंगे एंड देन वी शुड बी फाइन। यू जस्ट नीड द राइट टूल्स, आपको मैकेनिक की ज़रूरत नहीं ऑयल चेंज करने के लिए, आप खुद चेंज करो ऑयल, बाहर से लेके आओ राइट ऑयल, पुट द राइट वन। ये हो गया पूरा नीट एंड क्लीन, इसमें कुछ भी बचा नहीं है चेंज करने के लिए। देखो पूरा ऑयल, अच्छे से ऑयल ड्रेन करो बाइक का। इसका काम हो गया है, वर्क स्पेस से हटा दो इसको। कीप योर वर्क स्पेस क्लीन, वी विल नीड दिस, वी विल नीड द ऑयल फिल्टर नाउ। सो लेट्स कीप इट रेडी। ड्रेन प्लग के ऊपर का वॉशर अपन ने ऑलरेडी इसके ऊपर लगा दिया है, तो वी आर गुड विद दैट। इसी के अंदर यूज़ वाला डाल के सेट दिस असाइड, कीप दिस असाइड। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन दैट साइड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विंडो है, दैट विंडो डिटरमाइंस, दिस इज द विंडो। ये इसमें ये एबल टू सी, बट देर आर टू डैश मार्क्स राइट, एक अपर लेवल है, लोअर लेवल है, ये अपर लेवल है, उसके बीच में ऑयल दिखना चाहिए विंडो के अंदर।
बट अभी ऑयल हमने ड्रेन कर दिया, इसके लिए पूरा ड्रेन हो गया है। यहाँ से हम ऑयल फिल करेंगे, वी आर गोइंग टू फिल द ऑयल फ्रॉम हियर पूरा, एंड देन वी विल क्लोज दिस आउट। अब ये बहुत टाइट रहता है, जल्दी खुलता नहीं है, इसको खोलने के लिए यू वुड नीड अ प्लायर, बट प्लायर डायरेक्ट इस पर यूज़ मत करो, बिकॉज इस पर मार्क्स रह जाएंगे फिर प्लायर के, तो यूज़ अ टाइट क्लॉथ ऑन इट एंड देन टर्न इट अराउंड। गोल है कि बाइक का डैमेज कम से कम होना चाहिए, कोई भी मार्क्स या ऑयल के निशान ये सब नहीं होना चाहिए बाइक्स के ऊपर। दैट्स द ऑयल फिल्टर केज फ्रॉम द बैक दैट वी हैव रिमूव्ड, सो इफ यू कैन सी फ्रॉम हियर एक भी ऑयल गिरा नहीं है वहाँ पे, एंड क्लीनली वी हैव ड्रेन द एंटायर ऑयल। ये लगेगा यहाँ पे, और वो लगाने के पहले ये एरिया को थोड़ा लुब्रिकेट करना है हमको। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज आवर इंजन ऑयल टू डू दैट। डोंट यूज उसको यूज ऑयल से लुब्रिकेट मत करो, यूज दिस। ये हो गया प्रॉपरली लुब्रिकेट, वाइप इट क्लीन फ्रॉम द साइड्स। सफाई से एकदम काम में हमको सफाई रखना है बस, ये गोल है, इसलिए खुद कर रहे हैं ऑयल चेंज। अब ये हो गया साफ, अब हमको इसको फिट करना है, राइट। इसको हम लोग ऐसे डालेंगे यहाँ पे, नॉर्मल वी विल रोटेट दिस फर्स्ट, जितना हाथ से होता है उतना। ओके नाउ वी आर गुड, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम लोग जब ऑयल फिल्टर या ये जो भी टाइट करेंगे ना, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बाइक में, जैसा ये नट हो गया, जो भी हम टाइट करते हैं उसका मैनुअल में टॉर्क स्पेसिफिकेशन मेंशन रहता है। टॉर्क स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि कितना जोर से या कितनी स्ट्रेंथ लगा के आपको टाइट करना है, एंड दिस इज़ वेर योर दैट टूल दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट कम्स इन टू पिक्चर। वो टूल को क्या बोलते हैं, टॉर्क रेंच। टॉर्क रेंच का काम क्या है, जैसा अभी हम लोग खोलने के लिए तो ये नॉर्मल रेंच यूज़ कर रहे थे, राइट, रैचेट यूज़ कर रहे थे, तो आप कितनी भी स्ट्रेंथ से खोलो फर्क नहीं पड़ता, बट टाइट करने के टाइम पे अपने को केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा टाइट कर दिया नट को तो वो जिस पे टाइट हो रहा है उसको वेयर कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है, आपका नट भी कुछ डैमेज हो सकता है। सो ऑलवेज मेक श्योर यू ओनली टाइटन इट अप विद द टॉर्क रेंच विद द राइट स्पेसिफिकेशंस दैट आर मेंशन्ड। अब आपको मैं दिखाता हूँ स्पेसिफिकेशन कहाँ मेंशन होती है टॉर्क रेंच की। अगेन सर्विस मैनुअल, ओनर्स मैनुअल में रहेगी, अगर ओनर्स मैनुअल में नहीं है तो आप सर्विस मैनुअल खरीद लो, यू विल गेट। ओनर्स मैनुअल हैज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन, सर्विस मैनुअल हैज़ डिटेल इन्फॉर्मेशन। सो विल गो टू पेज 118 जहाँ पे इंजन ऑयल का पूरा डिटेल्स था। तो देखो मैं दिखाता हूँ, सो इफ यू सी हियर रीड दिस इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट, इसको टाइट करने का टॉर्क स्पेसिफिकेशन कितना दिया हुआ है, 20 foot or 21 foot lb। दिस इज द स्पेसिफिकेशन एट विच जिस पे हमको टाइट करना है। मैंने तो आज तक जितने मैकेनिक के ऑयल चेंज कराया है इंडिया में उनको कभी ये यूज़ करते हुए नहीं देखा। सिमिलरली ऑयल फिल्टर का भी टॉर्क रेंज दिया, टॉर्क कितना है वो दिया हुआ है, 13 foot pound पे टाइट करना है हमको, ठीक है। तो ये दो स्पेसिफिकेशन हम लोग याद रखेंगे। सो दिस इज माय टॉर्क रेंज, लेट्स सी, इट कम्स इन अ कंपस, सिलाई का कंपस जिसमें ये रहता है। इसको बहुत संभालना पड़ता है क्योंकि अगर आपने गिरा दिया इसको गलती से भी तो इसका पूरा कैलिब्रेशन ख़राब हो जाता है। दिस इज़ अ 3x8 inch ड्राइव टॉर्क रेंच, ठीक है, दिस इज़ अ टॉर्क रेंच। इस पर आप फुट पर एंड भी सेट कर सकते हो, ये देखो इस पर फुट पर पाउंड आप सेट कर सकते हो। तो अभी अपने को 13 और 21 करना है, तो 13 दिस इज़ अभी राइट नाउ इट इज़ अ 0, जब आप रखते हो उसको यूज़ करने का तो 0 पे रखना है, एंड देन यू मूव इट, तो एट द लोवेस्ट सेटिंग पे रखना है हमको। सो इस पे नीचे लॉक रहता है, यू ओपन द लॉक एंड देन वी आर गोइंग टू सेट इट। सो अभी ये स्पेसिफिकेशन है फुट पर पाउंड का, ये स्पेसिफिकेशन है न्यूटन मीटर्स का। सो इट इज़ दोनों वैल्यूज़ दी रहेगी, फुट पर पाउंड की अपने को 13 सेट करना है। तो अभी ये है 10 पे है, तो ये हो गया अभी ये 11, ये 12 क्योंकि 10 पे है, ये 13, और वापस अगर आप 0 पे लेके आ गए तो 15 हो जाएगा। ये 15 हो गया, 10 चला गया 15, हमको 13 पे टाइट करना है इसको।
so we will keep it here 10 and this is 3 13 and then we'll lock this up. इसके ऊपर टाइट नहीं करना, जितनी स्पेसिफिकेशन है उतना ही हमको टाइट करना है. सब ये रेंच हमारा टाइट हो गया. तो अब जब आप उसको टाइट करोगे तो एक मोमेंट पे जब ये मीट हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ जितनी आपको टाइट करने को चाहिए, तो इट विल उसका एक क्लिक साउंड आएगा टक करके. दैट मीन्स हो गया आपको उसके ऊपर. इट विल स्टिल अलाउ यू टू, आपको रोकेगा नहीं, आप फिर भी टाइट कर सकते हो, बट दैट इंडिकेट्स कि आपको जितना प्रेशर मेंशन था उतने पे आपने इसको टाइट कर दिया है. दैट्स द गोल. ठीक है, अभी हम लोग इसको नॉर्मल, अभी बंद करने के टाइम पे ये रैचेट यूज़ नहीं कर, नॉर्मल रैचेट यूज़ नहीं करेंगे, टॉक रेंच यूज़ करेंगे. टॉक रेंच को गिराओ मत, क्योंकि कैलिब्रेट करना पड़ता है. अगर गिर गया तो यहाँ से खोल के उसका एक अलग पूरा प्रोसीजर है, दैट यू वुड हैव टू यूज़ टू पूरा रिकैलिब्रेट करने के लिए. तो इसको संभाल के रखो, ये रैचेट हमको यूज़ करना पड़ेगा बंद करने के लिए. अगेन लाइक द ओल्ड वन, इसको हमने लगा दिया, बट अगेन ये लगेगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये नड़ेगा. दैट्स वेयर यू नीड द एक्सटेंशन रॉड्स. जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो. इसको पहले अपन फिट, द लॉक इज सेट इन द राइट पोजिशन ऑफ टाइटनिंग इट. मैंने हाथ से थोड़ा बहुत टाइट कर दिया है, अभी इज ऑल सेट. 0 13 फुट पर पाउंड पे है एंड वी आर गोइंग टू टाइट इट नाउ. You see, hear this click sound? This click sound, ये देखो, गौर करो, ये टाइट हो गया. अभी देखो आवाज़ सुनो. अगर आप और पुश करोगे तो करने देगा आपको टाइट, बट यू डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज द टॉक सेटिंग हैज रीच. अभी वो सब काम वो बाजू है, तो वहाँ जाएंगे, विल हैव दिस फनल, फनल से ही ड्रॉप करेंगे. ड्रेन होना था, हो गया. अभी इसको टाइट करना है अपने को. तो अभी टाइट करने के लिए 17 अगेन विल नीड दिस, विल नीड द टॉक रेंच टू टाइटन इट अप. अभी इसको पहले हटाना है हमको, ये इसका काम हो गया है. ऑयल हमने कलेक्ट कर लिया, तो हटाएंगे हम लोग पहले. और इसके पहले इस, ये है हमारा बोल्ट और उसका ड्रेन प्लग वॉशर, जो हम लोग यहाँ लगाएंगे इसके पहले के. Clean it off. Then इसको पहले इसमें वॉलमार्ट में या किधर भी, जहाँ पे भी आप लोग ग्रीस मंकी वॉलमार्ट ए जहाँ जहाँ पे ऑयल सर्विस होती है ऑटोमोबाइल्स का, वहाँ जाके इसको हम लोग रिसाइकल करवा देंगे. ये हो गया, बंद करेंगे इसको अच्छे. इसको टाइट करना है एट 21 फुट पाउंड्स, जो हम लोग ने सर्विस मैनुअल में देखा, तो 21 करना है. तो ये हो गया, जीरो पे आएगा तो ये 20 हो गया. सो दिस इज 21 फुट पाउंड पे करना है, तो एक और रोटेट करेंगे और ये हो गया 21. अगर वही 23 करना है, दिस इज 23, सो 20 एंड 0 इज 20 फुट पाउंड, और उसके ऊपर बढ़ा दिया, तो 21 फुट पाउंड पे हम लोग को उसको सेट करना है. दिस इज द सेंटर लाइन दैट सेट्स द वैल्यू. सो 20 है प्लस 1, 21 फुट पाउंड. ठीक है, इसको वी आर गोइंग टू टाइटन इट अप अगेन. ओके ओके, टाइटन. ठीक है, क्लॉक पोजीशन टाइटन अप करने के लिए अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं करना है. देखो, सी दिस हैज रीच्ड, इसलिए ये क्लिक आवाज़ आ रही है. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको खोलना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट रहता है. अब इसको खोलेंगे कैसे, पूरा सेट है, बट अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो इस पर इसके तीत के निशान आ जाएंगे. वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट, वी वॉन्ट टू कीप दिस क्लीन. तो हम लोग ये कपड़ा रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, बाहर आ गया ये.
सेफली। ये अपना इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। ये पूरा जो उस पे डर्ट है उसको साफ करेंगे। अभी लेट्स सी इंजन ऑयल का स्पेसिफिकेशन क्या मेंशन्ड है। पूरा ऑयल ड्रेन हो चुका है अपना, इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रखो ताकि कुछ अंदर कचरा वचरा नहीं गिरे। बिफोर 3 US quarters ऑयल फिल्टर रिमूव, नहीं हमने ऑयल फिल्टर रिमूव किया तो वी आर गोइंग टू यूज 3.3 US quarters। ठीक है 3.3। अभी देखो ये है थ्री क्वार्टर्स, यहाँ पे है दिस इज ऑयल लेवल। हम लोग पूरा 3 और फिर यहाँ पे करेंगे एंड देन वी विल मैनुअली चेक वेयर वी हैव रीच इन टर्म्स ऑफ ऑयल। थोड़ा ऑयल बचेगा क्योंकि ये 4 quarters का डब्बा है जो हम लोगों ने ढक के रखा था, इसको खोलेंगे हम लोग। पोर इन द ऑयल, अभी इसको डायरेक्ट डालोगे जैसा हम लोग के लोकल मैकेनिक्स डालते हैं, ये पूरा एरिया गंदा होगा। हमको सफाई से काम करना है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग सो मच टाइम एंड वी विल डू इट द राइट वे। ठीक है खुल गया ऑयल आस्ते आस्ते। हम क्या करेंगे ये पॉइंट पे हम लोग स्टॉप करेंगे, फनल को निकालेंगे हम लोग। अगेन वन टाइम इसको क्लीन करेंगे एक बार एंड वी विल पुट दिस अप बैक। हमको इंश्योर करना है कि वो ऑयल का जो लेवल है वो 2 lines के बीच में रहे। अब देखो ये ऑयल का लेवल है हमारा, और क्या होता है जब आप ऑयल भरते हो ना तो आपको लगेगा कि आप ज़्यादा भर रहे हो क्योंकि वो ऊपर चला जाता है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट द बाइक द ऑयल शुड गो टू द ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर में एक बार जाएगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ा ड्रिप हो जाएगा एंड दैट विल बी विद इन द लेवल, सो इट शुड बी विद इन द लेवल। अभी बाइक मेरी थोड़ी टिल्टेड भी है ऑन दिस साइड, तो मैं क्या करूँगा बाइक को स्टैंड से उतारूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू मॉनिटर दिस। जो पहले की क्लिप हमने निकाली थी इसका काम हो गया, इसको जगह पे लगाएंगे। ये वायर जो निकाला था इसको वापस प्लग इन करेंगे, सो वी आर गुड। सो दिस वॉज इट गाइज, बाइक का ऑयल चेंज इज डन, जो रिमेनिंग ऑयल है इसको संभाले रखो। दैट्स प्रीटी मच, नीटली ऑयल चेंज करो अपने टूल बॉक्स को, जगह पर रखेंगे पूरा एंड देन वी आर डन। सो आई ऑलवेज यूज टॉक रेंच इफ यू आर टाइटनिंग सम बोल्ट्स। हर एक बोल्ट का टॉक स्पेसिफिकेशन आपके इसमें, टॉक स्पेसिफिकेशन आपके बाइक के सर्विस मैनुअल में, ओनर्स मैनुअल में रहेगा। ओनर्स मैनुअल में बेसिक रहेंगे ऑयल चेंज के, ऑयल फिल्टर चेंज के, ऑयल ड्रेन प्लग के। सर्विस मैनुअल में एक एक पार्ट का एक एक इन्फॉर्मेशन रहता है, यू हैव टू परचेज इट सेपरेटली, खरीद लो। जितना हो सके काम खुद करो, स्पेशली कुछ निकालना करना है तो, क्योंकि जितना सफाई से आप टूल यूज़ करोगे, जितना सफाई से आप अपनी बाइक का ध्यान रखोगे दूसरे मैकेनिक नहीं रखेंगे। हाँ ऑफकोर्स देन देर आर अदर थिंग्स वेर देर आर लॉट ऑफ मैकेनिकल थिंग्स इन्वॉल्व, वेर एक्सपीरियंस इज इन्वॉल्व, दैट टाइम आई वोंट रिकमेंड। अगर आपको रेडिएटर का कुछ करना है काम तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू इट, तो जहाँ वहाँ पे लेके जाओ डीलर के पास। बट छोटा मोटा काम है अपने वो खुद करने का, डीलर मैकेनिक का जाके बाइक छोड़ो मत, खुद करो। और अगर मैकेनिक का देना पड़ता है तो खड़े रहो वहाँ पे, अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करो अपने बाइक के लिए, उनके सामने खड़े रहोगे तो सही से करेंगे काम, नहीं तो। और सफाई से काम करो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है काम सफाई से करना। जहाँ जो टूल्स की ज़रूरत है वो टूल्स अगर आपके पास नहीं है मत हाथ लगाओ, बाय द टूल्स। यू हैव बॉट अ न्यू मोटरसाइकिल, इन्वेस्ट इन द मोटरसाइकिल, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ पैशन, लिव द पैशन। सो अंटिल देन गाइज, बाय बाय।